Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning student. How are you? I hope you will be good. आज हम लोग अब मैथ में फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे. फॉरवर्ड काउंटिंग में पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वन से जीरो से टेन तक लिखना. अब हम उसी को आगे बढ़ेंगे. बच्चों जब तक हम जीरो से नाइन तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम फॉरवर्ड काउंटिंग में आगे नहीं लिख पाएंगे. काउंटिंग सीखने के लिए पढ़ने के लिए हमें जीरो से नाइन तक सीखना होता है कि कैसे लिखते हैं. जब हम जीरो से नाइन तक सीख जाते हैं तो हम काउंटिंग आराम से लिख सकते हैं. बहुत ही इजीली हो जाता है उसे उसको लिखने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है. इसलिए पहले हम जीरो से लेकर नाइन तक लिखना सीखते हैं. यहाँ हम जीरो नहीं दिए क्योंकि जीरो दे देने से एक अधिक हो जा रहा है और यहाँ टेन आ जा रहा है. ये इलेवन नंबर हो जा रहा है. यहाँ टेन ही नंबर का चला है लाइनिंग. तो जीरो जब तीन में आ रहा है वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो इसलिए हमें जीरो सीखना जरूरी होती है. तो जीरो जब हम लिखना सीख जाते हैं तो हम वन जीरो टेन लिखते हैं टू जीरो थर्टी लिखते हैं आगे. जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. टेन तक हो गया. फिर टेन के बाद हम इस रो में आएंगे वन वन इलेवन. इस वन को हम लिए ध्यान देना है यहाँ कि इस वन से हम टेन के बाद वन वन इलेवन आया. हम इसी वन को दो बार लिखे हैं वन टू टूवेल्व. यहाँ पर हम इस वन को लिए हैं और इस टू को लिए हैं जो कि इसी नाइन नंबर से आ रहा है. फिर वन थ्री थर्टी इस वन को लिए हैं और इस नंबर से थ्री को लिए हैं. वन थ्री थर्टी बनता है. फिर वन फोर फोर्टी इस वन को लगातार हम नाइन तक वन वन लिखते हैं. उसके बाद वन के बाद टू लिखते हैं तो वन जीरो फोर्टी. इस वन को लिए यहाँ वन फोर फोर्टी फोर लिए फोर्टी. वन फाइव फिफ्टी इसी वन को लिए वन फाइव फाइव को लिए वन फाइव फिफ्टी. वन सिक्स सिक्सटीन वन सेवन सेवेंटीन वन एट एटीन वन नाइन नाइनटीन टू जीरो ट्वेंटी वन वन इलेवन वन टू ट्वेल्व वन थ्री थर्टीन वन फोर फोर्टीन वन फाइव फिफ्टीन वन सिक्स सिक्सटीन वन सेवन सेवेंटीन वन एट एटीन वन नाइन नाइनटीन टू जीरो ट्वेंटी. अब हम आगे बढ़ते हैं. ट्वेंटी तक ही स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा लाइन हो जाएगा रो हो जाएगा. इसलिए ज्यादा हम लंबा लाइन नहीं करेंगे. ट्वेंटी तक इसको स्टॉप करके फिर यहाँ से आते हैं लिखने. फिर यहाँ हम लिखते हैं टू वन ट्वेंटी वन. ये टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन नंबर हुआ. ट्वेंटी वन नंबर बना कहाँ से? इसी टू से बना है और इस वन से बना है ट्वेंटी वन. टू वन ट्वेंटी वन. तो जब हम टू और वन लिखना नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा. इसलिए यहाँ हम पहले नाइन तक तो लिख ही चुके हैं लिखना सीख गए हैं तो हंड्रेड तक लिखना हमको बहुत ही इजीली हो जाएगा. काउंटिंग लिखना बहुत ही इजीली हो जाएगा. फॉरवर्ड काउंटिंग लिखना टू वन ट्वेंटी वन टू टू ट्वेंटी टू टू थ्री ट्वेंटी थ्री टू फोर ट्वेंटी फोर टू फाइव ट्वेंटी फाइव टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू सेवन ट्वेंटी सेवन टू एट ट्वेंटी एट टू नाइन ट्वेंटी नाइन थ्री जीरो थर्टी. फिर अब हम यहाँ थर्टी तक स्टॉप करके थ्री वन थर्टी वन से आते हैं. थ्री वन थर्टी वन. अब थ्री वन थर्टी वन भी आया कहाँ से? इस थ्री से और इस वन से हम बनाते हैं. ये यहाँ का थ्री है और ये वन है.
31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41. अब हम 41 लिखते हैं, 41 भी उसी तरह से उसी 9 डिजिट नंबर से आए, 9 डिजिट से ही हम लिखे, 4 यहाँ से लिए और 1 यहाँ से और 44 यहाँ लिखे, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 49, 50, 50. अब हम अगले वीडियो में 51, 51 से 100 तक सीखेंगे, लेकिन इसको हम याद कर लेंगे, 50 तक कंप्लीट कर लेंगे, जब ये डन हो जाएगा तब हम 51, 51 से 100 तक आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसको हम स्क्वायर लाइन कॉपी पे लिखते हैं, स्क्वायर लाइन कॉपी पे ही हम 1, 2 लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर मेरा हैंड राइटिंग बनेगा और हमें लिखने में आसानी होगी। इसलिए 2 लाइन पे आप लोग नहीं लिखेगा प्लेन पे, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको लिखने में दिक्कत होगी, 4 लाइन की कॉपी पर ही काउंटिंग सीखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।